अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते। कोफ्ते की रेसिपी के लिए जो हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे वो कुछ ये हैं। हम सबसे पहले लेंगे प्याज 2 अदद, चंद हरी मिर्चें लेंगे और 1/2 kg चिकन लेंगे बोनलेस। तो अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट के अंदर हम लोग ब्रेड के पीस छोटे छोटे करके डालेंगे। नमक डालेंगे हसबे ज़रूरत और काली मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून और ज़ीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून और कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ में डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की मैं क्वांटिटी आपको बताती चलूँ, कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून एंड 2 टेबलस्पून एंड 3 टेबलस्पून। अब हम साथ ही इसके अंदर एक अंडा डालेंगे और अंडे को इसके अंदर मिक्स करेंगे। स्पून की मदद से हम लोग इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इस मिक्सचर के अच्छे से गोल सी शेप के हम लोग गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे। और सारे मिक्सर के मैं इसके कोफ्ते रेडी करके रख रही हूँ और जैसे ही सारे रेडी होंगे मैं आपको बताती चल दूँ कि हम इस कोफ्तों को कुछ देर के लिए पड़ा रहने देंगे, 5 मिनट या 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गोल हो जाए। लीजिए, आफ्टर 5 मिनट्स मेरे कोफ्ते रेडी हैं और ये फ्राई होने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने ऑयल गर्म किया था और इसमें अब मैंने इनको फ्राई करने के लिए डाल दिया है और जैसे ही इनकी थोड़ा सा एक शेप इनकी चेंज हो जाएगी रेड रेड सी कलर में, तो मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और बहुत एहतियात से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, मैंने सॉफ्ट सा मिक्सचर बनाया है ताकि ये हार्ड ना हो। और ये बहुत मज़े के बनेंगे। ये देखिए, फ्राई हो रहे हैं हल्के हल्के, इनको हम गोल्डन से कलर के फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये सारे फ्राई हो जाएंगे तो ये देखिए बहुत अच्छे से मज़े के पक रहे हैं। यम्मी, वाह, बहुत मज़ा आ रहा है, दिल कर रहा है कि ऐसे ही खा लिए जाए। वाह, अब मैं इसको प्लेट में डाल रही हूँ ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। ये गोल्डन से ब्राउन से कलर के हो गए हैं, तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इन सारे कोफ्तों को प्लेट में निकालने के बाद हम दूसरी तरफ मसाला रखेंगे। मसाला तैयार करने के लिए मैं ले रही हूँ 2 अदद प्याज, 2 टमाटर मैंने अच्छी तरह काट लिए हैं और 5 या 6 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा लहसुन है और थोड़ा सा अदरक है छोटे पीस में, इनको काट लिया है और इसका हम लोग पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट को मैं ये कढ़ाई में डाल रही हूँ। कढ़ाई में डाल के पेस्ट को अच्छी तरह इसको गर्म करेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। तो फिर इसमें मैं ये पानी ड्राई देखिए हो चुका है, तो अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल हम 1 कप डालेंगे। 1 कप ऑयल डालने के बाद हम अच्छी तरह इसको पकाएंगे ताकि ये मिक्सर जो है ये बहुत अच्छा सा ब्राउन से कलर में, इसकी रंगत इसकी ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसमें साथ ही मसाला वगैरह डालेंगे। मसाले में मैं आपको बताती हूँ कि अब हम सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और साथ ही हम लोग 1 चम्मच काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच हम लोग डालेंगे इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च और अब 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर और अब डालेंगे हम लोग इसमें नमक भी हसबे ज़रूरत डालेंगे और चंद कतरे हम लोग ये सिरके के ऐड करेंगे, कुछ ड्रॉप्स डालेंगे हम सिरके के और इसको अच्छी तरह पकाएंगे, मिक्स करेंगे ताकि ये मसाला भुन जाए। मसाला भुन जाएगा तो फिर हम हल्दी पाउडर भी डाल रहे हैं और साथ में ये मसाला बहुत अच्छा सा तैयार हो रहा है। देखिए, तो अब मसाला तैयार हो गया है, ऑयल इसका निकलना शुरू हो गया है। जैसे ही इसका थोड़ा सा ऑयल निकलना शुरू हो जाए
तो इसमें हम साथ ही डालेंगे कोफ्ते डाल देंगे। ये देखिए हमने कोफ्ते डाल दिए हैं और कोफ्ते अच्छी तरह हम इसमें भूनेंगे और भूनते रहेंगे कुछ देर के लिए ताकि ये अंदर से भी पक जाएं, क्योंकि ऊपर से तो ये ब्राउन हो चुके थे। साथ ही दूसरी तरफ भी मेरे अभी और कोफ्ते फ्राई हो रहे थे, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूं। तो इसको अच्छी तरह हाँ भूनेंगे। भूनने के एहतियात कीजिएगा कि ये टूटे ना, इसको स्पून ना लगे और ये ना टूटे। तो भूनने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा कुछ देर के लिए भूनेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हम लोगों ने, क्योंकि मसाला बनाना है, ग्रेवी सी बनाएंगे, तो इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे भूनने के बाद। तो ये देखिए मैं अब 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी डाल दिया गया है, तो अब हम इसको कुछ देर के लिए इसको मिक्स करके दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छा सा इसका ऑयल ऊपर आ जाए और ये अंदर से जो अगर थोड़े बहुत कच्चे हैं तो वो भी पक जाए। तो लीजिए अब मैं इसको दम दे रही हूँ। आफ्टर 10 मिनट्स ये देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मैंने इसके ऊपर अब थोड़ा सा इसका ऑयल निकल आया है, तो मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया। लीजिए ये कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं और अब आप इसको खा सकते हैं। तो बहुत मज़े के बने हैं ये कोफ्ते, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।